ख़राब हो चुका था और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, उसी कारण हम लोग रुक चुके हैं और यहाँ का आपको नज़ारा दिखा रहे हैं कि नज़ारा कैसा है। यहाँ का नज़ारा आप नज़ारा देख सकते हैं कि यहाँ का नज़ारा ठीक ठाक ही है और गाड़ी को ख़राब होने के कारण कुछ देर यहाँ रुकना पड़ रहा है हम लोगों को। भाई का गाड़ी क्या पता नहीं स्टार्ट नहीं ले रहा है, उसी के कारण यहाँ पे हम लोग रुक चुके हैं, कुछ देर रुक चुके हैं। इसको आपको आगे से जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भाई का गाड़ी है, इस पर हम लोग बैठे थे और उसी के कारण ख़राब होने के कारण कुछ देर हम लोग को रुकना पड़ रहा है। यहाँ कुछ जंगले भी है बहुत सारे, ये भी है कुछ मार्केट टाइप का, यहाँ भी है। क्या हुआ भाई, स्टार्ट नहीं हो रहा क्या? नहीं हो रहा तो कुछ जुगाड़ कीजिए, पहुँचना है भाई जल्दी। गाड़ी ख़राब होने के कारण कुछ देर रुकना पड़ रहा है, इससे लग रहा है कि कुछ वेट और भी लग सकता है क्योंकि गाड़ी ख़राब हो चुकी है और स्टार्ट नहीं ले रहा है। आपको अंदर का नज़ारा दिखा रहे हैं, अंदर का नज़ारा कैसा है, सारा चीज़ लगे हुए हैं, ब्लॉग के माध्यम से दिखाना चाहता हूं आपको। क्या हो गया भाई की गाड़ी को, आज पहली बार ऐसा हो रहा है हम लोग के साथ। तो वीडियो को तो अंत तक बने रहें, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ कुछ बाबा जैसा धाम के तरह है और आपको जूम के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाबा जी के जैसा धूम के धाम के तरह है और उधर बहुत सारा जंगल भी है। घूमने इस तरफ आ गए हम लोग और भाई का गाड़ी स्टार्ट भी हो रहा है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। गाड़ी ख़राब होने के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ रहा है, क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। आप चाहे जितना देर लगे रुकना तो पड़ेगा ही। इधर कुछ छोटी सी मार्केट भी है, कुछ लोग वहाँ बैठे भी हैं, छोटा टाइप का इधर मार्केट भी बना हुआ है। मार्केट में मछलियाँ भी बिक रही है और बहुत सारे इधर गाड़ी भी निकल रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको।